अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चने की दाल का हलवा कर। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। चले अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। आधा किलो हमारी चने की दाल है, दाल है, इसको मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। पानी निकाल के मैंने देख लें इस तरह ये अच्छे से पानी से गर्म हो जाएगी, ऐसे टूटेगी। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया, ये बिल्कुल खुशक दाल हो गई है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी और 1/2 कप इसमें मैं पानी डाल दूँगी। इसको मैं हल्के फ्लेम पे चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी और इसको ढक दूँगी। दाल में दूध और पानी खुशक हो चुका है, कम लगाने के लिए रख दिया इसको हमने हल्के फ्लेम पे। हमने इसको रख दिया है 10 मिनट। 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दिया था। देखिए हमारी दाल गल चुकी है अच्छे से और अब हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं और सिल पे पीस सकते हैं। 1/2 किलो दाल में 1/2 किलो से थोड़ी सी कम चीनी डलेगी और ये हमने 8 अदद इलायची, सफ़ेद इलायची हमने इसको कूट लिया है और नारियल है थोड़ा सा, बादाम और पिस्ते, 1/2 पाव हमारा घी है, 1 कटोरी हमारा सूखा दूध है और 1 चांदी का बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें घी डाल देंगे। और इसको अब हम दाल को घी में डाल देंगे। दाल को हमने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है और इसको अच्छे से हम घी में भून लेंगे। डेले हम तोड़ लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए घी में। इसको हल्के चूल्हे पे भूनते रहना है, दाल को अच्छे से भूनते रहना है हल्के चूल्हे पे और चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी दाल नीचे से लगे ना। मोटे तले के बर्तन में ही इसको बनाना है वरना दाल जो है नीचे लग जाएगी। दाल का कलर चेंज हो चुका है, इसकी भुनाई अच्छे से हमने कर ली है और देख लें सिमट भी गया ये सब। चने की दाल में है वो इसकी भुनाई है अच्छे से, इसकी जितनी भुनाई होगी उतना ही अच्छे से हमारा हलवा तैयार होगा। इसमें खुशबू भी अच्छी सी आ रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को भी अच्छे से भूनेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो वो भी हमें खुशक करना है। इलायची भी डाल देंगे हम फूड कलर डाल देंगे, जल्दी कर हम चुटकी भर डाला है हमने ताकि इसका कलर अच्छे से येलो आए। अगर आपकी चीनी ना भूले तो आप इसमें 1.5 कप दूध डाल के अच्छे से भून लें। चीनी का पानी खुशक हो गया है और ये देख लें अच्छे से हमारा हलवा जो है ना वो सिमट गया है, तले से छूट गया है इसके कढ़ाई के। देखें अब हम इसमें सूखा दूध डाल देंगे। कटोरी इस सवा नारियल डाल देना है। हलवा हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसको हमने इस थाली में हमने घी लगा लिया है चारों तरफ और इसको अब हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से हमें प्रेस कर लेना है। और ऊपर से अब हम इसके मेवा डाल देंगे, नारियल डाल देंगे। अब हम बादाम डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चार
घंटे के लिए इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। हलवे को रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं, हलवा हमारा जम चुका है। देखें ये देखें कतलियाँ हमारी कितनी अच्छे से जम चुकी हैं। देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा और से बना है और देखें जम भी गया है अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबा के प्रेस करिएगा, इससे मेरी हर नई वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ।